मैम आज कोई डेथ हुई है कोविड पेशेंट की? पॉजिटिव थे कितने? डेथ हुई टोटल्स आज की मिला कर? हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार सेम्स हॉस्पिटल में एक डेथ की खबर आई है मोहम्मद की, जो 54 इयर्स के थे। कुछ बाकी और डेथ्स की सूचना मिल रही है वो अभी उनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आधिकारिक रूप से टोटल 10 मृत्यु इंदौर शहर में हुई है। ओके, ये असलम के अलावा जो है टोटल असलम को मिलाकर टोटल 10 हुए हैं। और मैम कुछ पेशेंट डिस्चार्ज भी हो रहे हैं ठीक होने के बाद? कितने पेशेंट आज डिस्चार्ज हुए इंदौर? पूरी तरह से कोरोना की बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन पूरी तरह से हम पूरे स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल कॉलेज की टीम लगी हुई है और हमें विश्वास है कि हम इसमें विजय प्राप्त करेंगे। आज हमें पहली सफलता प्राप्त हुई है जब हमारे MRTB का एक मरीज राजेश की हम डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज का प्रोसेस ये होता है कि यदि कोई कोरोना पॉजिटिव होता है और अगर वो 5 दिन तक एसिम्प्टोमेटिक रहता है तो उसका प्रथम टेस्ट किया जाता है, और अगर वो नेगेटिव होता है तो 24 घंटे बाद दूसरा टेस्ट किया जाता है, चेस्ट एक्सरे किया जाता है जो क्लियर होता है, उसके बाद उसकी छुट्टी होती है। तो ऐसे MRTB के एक मरीज राजेश और 10 मरीज सेम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। सेम्स से डिस्चार्ज होने वालों के नाम मोहम्मद सलीम, इकबाल कुरैशी, वाजिद कुरैशी, शबीर, करण सिसोदिया, प्रहलाद अग्रवाल, जितेंद्र सिसोदिया, अंजू सिसोदिया, आयशा और आलिया हैं। ये ठीक हो गए मैम पूरी तरह से? आप ये आइसोलेट रहने की जरूरत नहीं, अपने परिवार से मिल सकते? क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा अभी भी 14 दिन तक। और नियमित अगर कोई दिक्कत हो तो रिपोर्ट करना है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे यहाँ की कुल संख्या में से ये 11 संख्या आज से कम मानी जाएगी। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.